ये एक प्लांट है सिगोनियम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चलता रहता है। बाकी ये इंडोर भी है, इसे आप आउटडोर रख सकते हैं, लेकिन फुल धूप में नहीं ले चल सकता। और आज इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा इन सारा सा डिटेल से, कि वो मेरे एक ब्रदर का मैसेज आया था, जी आप किसी ऐसा पौधा कहें जो इंडोर भी हो और नीचे पॉट भी बहुत ज़बरदस्त हो, इसमें चलता रहे। तो मैं आपको आज वीडियो लेके आया हूँ इस पर, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हमारी वीडियो सिगोनियम पे है। और ये सिगोनियम बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, ये घर में होना चाहिए, हाउस प्लांट भी है, मतलब कि ज़बरदस्त चलता रहता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक पॉट, छोटे पॉट में लगा हुआ है, बाउल बना हुआ है, इसके अंदर लगा हुआ है, या एक ही प्लांट है। बाकी ये नर्सरी से लाएँ और आप इसको लगाएं, और इसको NPK की खाद डालते रहें, और इसको वॉश बहुत कम करें, क्योंकि ये बहुत नाजुक पौधा है, ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, ये एक इंडोर प्लांट है, इतना हार्डी प्लांट नहीं है ये, मतलब कि आप देख सकते हैं छोटे पॉट में लगा है बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चलता रहता है, ये ख़राब भी नहीं होता जल्दी। बाकी इसको पानी का होता है, पानी इसको बहुत कम दें। इसका पॉट आप साल बाद कम से कम इसकी मिट्टी निकाल के, ये प्लांट निकाल के इसकी मिट्टी नीचे से चेंज करें, तो ये प्लांट फिर ज़बरदस्त चलता रहता है, ठीक है। बाकी अगर आप इसे और भी प्लांट तैयार करना चाहें तो तैयार हो सकते हैं। ये देख सकते हैं इसके अंदर से निकाल के आप और लगा सकते हैं, सिगोनियम इसका नाम है, ब्रीक पत्ता। इसमें एक पिंक है, एक ग्रीन है, बड़े पत्ते वाला वो पुराना है, लेकिन ये न्यू आया अभी, ये आप देख सकते हैं।